हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, हरी ताज़ी और फ्रेश सब्जियां लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम खेत से तुड़वा के लेकर आते हैं तो बहुत ही फ्रेश होती हैं। नोएडा में रहने के बाद भी हमें खेतों से फ्रेश एकदम ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ फ्रेश और ताज़ी सब्जियां तो मिलती ही नहीं है। तो आ गए हम लोग खेतों में, यहाँ पे गाय बंधी हैं, भैंसें भी बंधी हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग, तो अभी जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा और आगे। तो यहाँ लगे हुए हैं टमाटर के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, तो इसमें भी बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, चारों तरफ सब्जियाँ लगी हैं। और यहाँ लगी है पालक, और अभी जा रहे हैं हम लोग सेम तोड़ने, यहाँ पे सेम लगी हुई है तो सेम तोड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ये देसी वाली सेम है, एक लम चौड़ी वाली होती है, एक पतली वाली होती है, तो यहाँ से तोड़ेंगे हम लोग सेम। तो ये तोड़ रही हैं भाभी जी सेम हमारे लिए। और ये है इनकी लड़की, लड़की भी घूम रही है, वो भी साथ में तोड़वा रही है सेम सब्जियाँ। अभी हम लोग तोड़ रहे हैं बैंगन, तो बैंगन के खेत में आ गए हैं, तो इसमें लगे हुए हैं काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं, एकदम सॉफ्ट बैंगन निकलते हैं इसमें, काटने के बाद एक भी बीज नहीं निकलता है। जो मार्केट से लेकर आते हैं उसमें बीज भी होते हैं, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते हैं। तो हमने तोड़ लिए हैं बैंगन खूब सारे, और भाभी जी हमारी बैंगन तोड़वा रही हैं। तो अभी यहाँ से तोड़ लिए हमने खूब सारे बैंगन, हम यहाँ से अपनी फ्रेंड्स को भी लेकर जाते हैं एक थैले में सब्जी, तो उसने भी मंगवाई थी तो उसके लिए भी ले लिए मैंने सब्जी। तोड़ लिए दो थैली भर के हमने बैंगन खूब सारे। गौरी, अच्छा स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा भैया भी जाता है? हाँ। अच्छा आज छुट्टी है? हाँ। आज दिन भर क्या करोगी? कार्टून देखोगी? कार्टून कैसे बताओ? कार्टून देखोगी? कार्टून। हाँ। अच्छा, अरे वाह। तो अब आ गए हम लोग धनिया काटने के लिए, तो ये इसको भतीजी लग रहा है धनिया काटना, इसकी रखी रखी छोटी हो जाती तो उठा के सवाने आती हूं, और धनिया काटने लगी है। अभी इसको काटना आता है तो ये काट रही है, अच्छे से काट रही है, और मम्मी ने मना कर दिया है। तो ये है गेहूं के खेत, एकदम हरे हरे गेहूं लगे हुए काफ़ी सारे, और यहाँ से तोड़ रहे हैं हम लोग अभी बथुआ, बथुआ भी लगा हुआ है तो हमने तोड़ लिया है, बथुआ भी तोड़ लिया खूब सारा। तो साथ में भाभी जी भी तोड़ रही हैं, और लड़की को भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ सब खेतों में घूमना, और तो वो भी बथुआ तोड़वा रही है, भी यही थैली लेके भर ली है इसने बथुआ से। और हमने सारी सब्जियां ले ली, अब आ गए हम लोग घर वापस, तो इन सब्जियों को अच्छे से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ओस की बूंदें थी तो उसमें काफ़ी पानी भी आ गया है। तो अब आ गई हमारी खूब सारी सब्जियाँ, तो ये आ गया है पालक भी है, मेथी है, धनिया है, मूली है, सेम है, और बैंगन भी हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश हैं, और इसमें भी काफ़ी सारी सब्जियां रखी हुई हैं। तो एक थैला हमारे लिए है, और एक थैला भर के मेरी फ्रेंड के यहाँ जाएगा तो उसके लिए भी ले ली हैं। तो अब इनको सब्जियों को धुल के रख देंगे फ्रिज में निकाल के अच्छे से। तो इसमें दोनों तरह की सेम है, एक देसी वाली भी है, एक चौड़ी वाली भी है,
तो ये चौड़ी वाली सेम है, तो इनको भी सबको अच्छे से बॉस कर लेंगे और बैक कर देंगे खाली एक। और इस थैली में है बथुआ। बथुआ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में, तो बथुआ के बनाने वाले हैं पराठे। और ये है मेथी, तो मेथी की बनाएंगे सूखी भुजिया, जो लहसुन हरी मिर्ची में बनाते हैं मटर के साथ, तो इसकी भी बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है सर्दियों में। तो ये लिए लिए हमने एक थैली भर के। और यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं गोबर खूब सारा, तो गोबर से मैं बना दिए हैं कंडे, जिसे उपले भी बोलते हैं। तो इनको सुखा के रख लेंगे, तो ये हवन के लिए यूज़ होते हैं, जब हवन करते हैं ना तो उससे इसी के ऊपर हवन कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने बना के रख लिए हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।